हिमाचल में कांग्रेस और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बंपर वोटों के साथ जीतती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें इस वक्त गुजरात के अंदर जबरदस्त जश्न है और उसमें शरीक होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल वो अभी गांधीनगर में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे हैं और वहां पर अब एक जोरदार जश्न की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री वहां पर आए हैं अभी अभी और सीआर पाटिल दोनों ही नायक हैं इस जीत के, और भूपेंद्र पटेल सीआर पाटिल गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में अभी भी आए हैं और टैली आप देखिए 155 पर पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। 149 का ऑल टाइम रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का, 1985 का उसे तोड़ा है और उसके भी आगे चल रही है इस वक्त। 17 पर लाकर छोड़ा है कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी 6 सीट पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है और इसमें से कुछ अब नतीजों में भी तब्दील होने के करीब होंगे। देखना होगा कि सीटें कितनी आम आदमी पार्टी निकालती है, लेकिन वोट जरूर 12-15% के बीच में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को। लेकिन बीजेपी ने कमाल किया है, 27 साल के बाद वोट शेयर 50% से ज्यादा, 53-54% वोट शेयर। ये देखिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल दोनों स्थानीय नायक इस चुनाव के विक्ट्री साइन दिखाते हुए और अपने वर्कर्स के बीच में। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जब बीजेपी दफ्तर वो पहुंचे तब की तस्वीर देखिए आप, भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। चुनाव के दरमियान कई बार गृहमंत्री अमित शाह ने बात सार्वजनिक तौर पर कही कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही होंगे। और सीआर पाटिल क्या कहें उनके बारे में, पिछले चुनाव के बाद उनको गुजरात की कमान सौंपी गई और पूरे चुनाव में बार बार वो इस बात को दोहराते रहे कि किसी भी सूरत में बीजेपी की सीटें 150 से कम नहीं आने जा रही हैं। इस पर वो अपनी राजनीति दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए थे, इतने कॉन्फिडेंट थे और उनका कॉन्फिडेंस सच साबित होता हुआ दिखाई दिया। 156 पर भाजपा देखिए अब पहुंची है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर। बैंड बाजे बज रहे हैं इस वक्त गांधीनगर में, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। अद्भुत प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। सीआर पाटिल जब उतरे हैं गाड़ी से देखिए आप, वैसे वर्कर्स ने घेरा हुआ था गाड़ी को और भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे यहां पर। टिकटों का बंटवारा कहिए, बूथ का मैनेजमेंट कहिए, प्रचार तंत्र कहिए, कुछ भी कहिए, बीजेपी ने जो अर्जित किया है गुजरात में वाकई ऐतिहासिक है। पवन, संगठन आप देखिए किस तरीके से। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। बड़े मंत्रियों को हटा दिया गया, तो ये तस्वीरें सीधे बीजेपी दफ्तर से। तो ये तस्वीरें जिसमें बीजेपी के बड़े जीत का बड़ा जश्न आपको दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने साबित किया किस तरीके से उनका संगठन वेल पॉलिश्ड मशीन है। जिस तरीके से सीआर पाटिल लगातार दावा करते रहे कि हमें 2.5 करोड़ वोट मिलेंगे जी, वोटों का पूरा कैलकुलेशन बताया कि किस तरह से वो 150 सीटें जीत सकते हैं, और जो कैलकुलेशन बताया उसके पार बीजेपी आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। 156 सीटें फिलहाल बीजेपी है और कार्यकर्ताओं का जोश कमलम दफ्तर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।